नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल आवश्यक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर वायरसेस के बारे में। आखिरकार कंप्यूटर वायरसेस होते क्या हैं, ये कंप्यूटर में जो वायरस है आते कहाँ से हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी सॉफ्टवेयर वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वायरस को समझने से पहले आपको सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते क्या है। ठीक है, तो वायरस क्या होते हैं? तो वायरस दोस्तों एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को ही हम वायरस बोलते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो छोटा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एक प्रकार का जो वायरस होता है वो प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम ही एक वायरस होता है। ठीक है, लेकिन ये छोटा प्रोग्राम होता है, ये किसी पार्टिकुलर एक काम करने के लिए बनाया जाता है। अब आपको पता है जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, वो किसी काम को करने के लिए बनाई जाती है, अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं। वैसे ही वायरस होते, वायरस भी सॉफ्टवेयर होते, वायरस भी छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कंप्यूटर को बिगाड़ने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की चीज़ों को ख़राब करने के लिए, कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन है, फाइल वगैरह, उनको नुकसान पहुँचाने के हिसाब से, उनके नुकसान पहुँचाने के मकसद से उनको डिजाइन किया जाता है और बनाया जाता है, और इनको कंप्यूटर में छोड़ दिया जाता है। कंप्यूटर में कई कई नई नई प्रॉब्लम खड़ी करे, नई नई मतलब कंप्यूटर को चलने में प्रॉब्लम हो जाए, कंप्यूटर को चलने में दिक्कत दे, तो ये जो कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम, उसको मतलब हानि पहुंचाने, नुकसान करने के मकसद से वायरस को डिजाइन किया जाता है। वायरस को डिजाइन करता है, वायरस डिजाइन करते वही जो सॉफ्टवेयर बनाता है, जिसको नॉलेज है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनको आती है। ठीक है, जिसको जो डेवलपर होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सब जानते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, वही लोग होते हैं जो वायरस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ खराब माइंड के लोग हैं, पैसे कमाने के लिए बनाते हैं वायरस, और इनको कंप्यूटर में छोड़ देते हैं, अलग अलग जगह पर डाल देते हैं, तो ये आते हैं हमारे कंप्यूटर में और हमारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो एक्चुअल में वायरस होता क्या है, तो वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, छोटा सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है, जो हमारे कंप्यूटर में दूसरी फाइलों को नुकसान पहुँचाने के मकसद से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब वायरस एक फाइल हो गई, एक प्रोग्राम हो गया, वो कुछ भी हो सकता है, फाइल भी हो सकती है, प्रोग्राम भी हो सकता है। ठीक, तो कई लोग अभी तक ये समझते थे कि वायरस जैसे हमारे शरीर में भी कई बार वायरस घुस जाते तो हमारे शरीर को ख़राब कर देते, हमें बीमार कर देते, जैसे सर्दी जुकाम का वायरस आ जाता है, हमें सर्दी जुकाम आ जाती है। और आजकल तो कोरोना वायरस बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे कोरोना वायरस कैसे सबको हो रहा है, तो मतलब सबको बीमारी हो रही है, तो वैसे ही कंप्यूटर में भी वायरस आते हैं, कंप्यूटर को भी ख़राब कर सकते हैं। लेकिन ये जो वायरस आते हैं, बायोलॉजिकल वायरस होते हैं, जो हमारे शरीर में घुसते हैं, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर के वायरस अलग आते हैं, ये कंप्यूटर से ही कंप्यूटर में फैलेंगे, ऐसा नहीं है कि इंसानों का जो वायरस इंसान में कंप्यूटर में फैल जाएगा या कंप्यूटर से इंसान में आ जाएगा। कंप्यूटर का ये वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाते हैं और कंप्यूटर को ही हानि पहुंचाते हैं, हमको इंसान से उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर में चले जाएंगे और दूसरे कंप्यूटर के फाइलों पर वगैरह नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे जाते हैं, तो दोस्तों देखिए, जैसे आप कोई गेम लेने जाते हैं दोस्तों के पास, या कुछ चीज़ें लेते हैं पेन ड्राइव वगैरह के, तो आप जब कंप्यूटर में अटैच करते हैं, जैसे कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव घुसाई आपने, या कोई रैम वगैरह कुछ भी लगाया आपने, सीडी डीवीडी वगैरह, तो उसके थ्रू उसमें जो वायरस रहेगा वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा उस सीडी के थ्रू। ठीक है, जैसे आपके दोस्त के कंप्यूटर में वायरस है और आप पेन ड्राइव लेके गए आपके दोस्तों के पास से, आपने गेम लिया और गेम ला के आपने अपने कंप्यूटर में डाला, तो उस पेन ड्राइव के थ्रू उसके कंप्यूटर में से पेन ड्राइव में आ गया और आपके कंप्यूटर में आ जाएगा वायरस। तो इस प्रकार से वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, मोबाइल में, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कई बार आप इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी उसके थ्रू भी वायरस आपके कंप्यूटर में आ सकता है। ठीक है, तो ये थे वायरस के तरीके, जो आपके कंप्यूटर में कहाँ कहाँ से वायरस घुस सकता है। आप देखते हैं कि वायरस अगर कंप्यूटर में आ जाए तो ये करता क्या, काम क्या करता है। तो दोस्तों, आपका कंप्यूटर में वायरस कई तरीके से आ सकता है, आप नुकसान कैसे पहुंचाता है, आपके कंप्यूटर में कई सारी फाइलें होती हैं, उन फाइलों को हो सकता है डिलीट करते हैं, या फिर उनकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है, एक ही फाइल की चार चार पचास पचास जगह उसकी कॉपी बना देगा, या फिर आपकी उस फाइल को डिलीट हो जाएगी, या फिर उसका नाम वगैरह चेंज हो जाएगा, या फिर आपके कंप्यूटर स्लो लग जाएगा, कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो कंप्यूटर में कई सारी की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर को चलने में प्रॉब्लम होगी, आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा या ढंग से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम है जो आपको कंप्यूटर में देखने को मिल जाएगी। तो अगर ऐसा आपके कंप्यूटर में होता है तो समझ जाना कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। अब आपको वायरस से बचने के लिए क्या करना है, इसके लिए आपको आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना है। तो ये एंटीवायरस की वजह से आपका जो वायरस है वो कंप्यूटर को ढूंढ, कंप्यूटर में जितने भी वायरस है उन सबको वायरस को ढूंढ के उनको डिलीट कर देगा। तो मैंने आपको आज की वीडियो में वायरस के बारे में पूरा बता दिया, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हो ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम।